तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ऐश मिस्टी ब्रॉक पोर्ट टाउन पहुंचते हैं और वो पोकेमोन सेंटर में रेस्ट करने की सोचते हैं। लेकिन पोर्ट टाउन में होने वाला था एक शो, तो सब उस शो की जगह पहुंचते हैं। वहां एक पोस्टर होता है जिसमें ऐश का स्क्वाटल होता है। ऐश मिस्टी ब्रॉक उस पोस्टर को देखते हैं और ब्रॉक कहता है स्क्वाटल का शो होने वाला है। फिर कुछ पुरानी यादें ताज़ा की जाती है, स्क्वाटल की थोड़ी जर्नी दिखाई जाती है। ऐश कहता है मैं स्क्वाटल को बहुत मिस कर रहा हूँ, और ऐश पिकाचू से कहता है पिकाचू हम स्क्वाटल से मिलने वाले हैं। तभी ऐश बल्बजॉर और चारिजार्ड को बाहर निकालता है और उनको पोस्टर दिखाता है। वो शॉक हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर होती है टीम रॉकेट की एंट्री। हर बार की तरह अपना धंधा लेके वहाँ बैठ जाते हैं। ऐश पहुँचता है टीम रॉकेट के स्टोर पर और कुछ सामान खरीद के चले जाता है। टीम रॉकेट स्टार्ट करती है शो और एंट्री होती है स्क्वाटल की। सब बहुत खुश होते हैं और स्क्वाटल और उसकी टीम आग बुझाने का काम शुरू करते हैं। स्क्वाटल को ऐश का साउंड सुनाई देता है और वो फुल जोश में शो कंटिन्यू करता है। और फिर शो ख़त्म होता है। स्क्वाटल ऐश को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बच्चे स्क्वाटल को घेर लेते हैं। टीम रॉकेट ऐश को स्क्वाटल से मिलने से रोकती है। फिर ऐश उदास होकर वहाँ से चला जाता है और स्क्वाटल ये देखता है तो वो भी उदास हो जाता है। फिर सब स्क्वाटल और उसके जो भी टीममेट्स है वो खाना खा रहे होते हैं और ऐश का स्क्वाटल ऐश को याद करता है। स्क्वाटल को लगता है ऐश जानबूझकर उससे नहीं मिला और स्क्वाटल गुस्से में खाना नहीं खा रहा था। लेकिन फिर पता नहीं स्क्वाटल के दिमाग में क्या ही चल रहा था, वो जो है जबरदस्ती बहुत ही जोश में खाना खाने लग जाता है। ऐश मिस्टी ब्रॉक एक होटल में पहुँचते हैं क्योंकि टीम रॉकेट ने उनसे कहा था कि स्क्वाटल उनको वहाँ पर मिलेगा। टीम रॉकेट ऐश को देख लेता है, ऐश को स्क्वाटल दिखता है, लेकिन टीम रॉकेट फिर से उनके रास्ते में आती है। चारिजार्ड और बल्बजॉर स्क्वाटल के पास पहुंचते हैं। चारिजार्ड स्क्वाटल को हल्का सा फ्लेम से जलाता है। फिर दोनों एक दूसरे को आग दिखाने लगते हैं। स्क्वाटल वाटर गन यूज़ करता है चारिजार्ड और बल्बजॉर पर। फिर तीनों अपने मूव्स का यूज़ करते हैं और ऐश बीच में आ जाता है। ऐश स्क्वाटल से कहता है क्या हुआ स्क्वाटल। फिर स्क्वाटल जो है मुँह घुमा लेता है और फिर पिकाचू थंडर यूज़ करता है और सब शांत हो जाते हैं। चारिजार्ड बल्बजॉर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सब चले जाते हैं और वहाँ से और सब सोचते हैं कि आखिर स्क्वाटल को हुआ क्या है। फिर जो है स्क्वाटल की जर्नी याद करता है ऐश। फिर टीम रॉकेट वहां आते हैं और अपना जाल फेंकते हैं पिकाचू के लिए, लेकिन जाल जो है सीधा गिरता है हरियामा के ऊपर में और हरियामा उनको जो है आसमान की सैर पर जो भेज देता है। फिर ऑफिसर जेनी दिखती है ब्रॉक को और ब्रॉक का जो है ठरकीपना वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अचानक कुछ काले बादल दिखाई देते हैं जिससे सब घबरा जाते हैं और वहाँ भयंकर आग लग जाती है। फिर एंट्री होती है स्क्वाटल एंड टीम की। टीम स्क्वाटल अपनी पूरी कोशिश करते हैं आग बुझाने की। फिर सबके जो है पोकेमॉन मिलकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग नहीं बुझ रही थी। पर फिर बल्बजॉर और चारिजार्ड सब एक साथ कोशिश करके आग बुझाने की कोशिश करते हैं और उस आग में जो है कुछ पोकेमॉन फंस जाते हैं। फिर चारिजार्ड बल्बजॉर और स्क्वाटल और बल्बजॉर जो है चारिजार्ड के ऊपर बैठकर उन पोकेमॉन को बचाने के लिए जाते हैं और वो आग से बचा भी लेते हैं उन पोकेमॉन को और आग भी बुझा देते हैं। स्क्वाटल का गुस्सा भी ख़त्म होता है, सब एक साथ खुश होते हैं और फिर से हमें जो है लैटियस दिखाया जाता है। फिर ऐश स्क्वाटल को बाय कहता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।